हाय, मैं हूं सुनील मिश्रा। मैं सक्सेस सीडीज की तरफ से मेंटल मैथ्स की एक नई ट्रिक लाया हूं। आज मैं आपको एक मैजिकल ट्रिक सिखाने जा रहा हूं, जिसको सीखने के बाद आप किसी भी इन तरीके के नंबर्स को चुटकियों में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। चलिए सीखते हैं। सो हियर वी हैव 99 मल्टीप्लाई बाय 98। इस तरह के नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए हम बेस का कंसेप्ट अप्लाई करेंगे, और बेस जनरली 10 की पावर्स में होंगे, जैसे कि 10, 100, 1000 एंड सो ऑन। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर किस बेस के पास हैं। ये दोनों नंबर 100 के पास हैं, इसलिए बेस होगा 100। सो बेस है हमारा 100। अब हम इन दोनों नंबर्स को बेस यानी कि 100 से सबट्रैक्ट करेंगे। सो 99 माइनस 100 इज -1 एंड 98 माइनस 100 इज -2। इसके बाद इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। राइट साइड में हम इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट लिखेंगे एंड लेफ्ट साइड में हम ये डायगनल्स वाले जो नंबर्स हैं इनका सम लिखेंगे। तो हम 98 माइनस 1 भी ले सकते हैं या फिर 99 माइनस 2 भी ले सकते हैं। राइट साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट -1 और -2 का। सो -1 इंटू -2 इज 3 एंड लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे सम -1 और 98 का या फिर 99 और -2 का। सो 98 -1 इज 97 और वी कैन टेक 99 -2। 99 -2 भी 97 ही होगा। एक चीज हमें ध्यान देनी है कि राइट साइड में उतनी डिजिट होंगी जितने कि आपके बेस में जीरो है। सो यहाँ पे बेस में दो जीरो है, सो राइट साइड में दो डिजिट्स होनी चाहिए, बट यहाँ पे एक डिजिट है तो हम एक जीरो लगा देंगे। सो हम इस 3 को लिखेंगे 0 3 एंड दैट्स डन। पहली बार में सबको डिफिकल्ट लगेगा, पर कुछ प्रैक्टिस के बाद आप सब चुटकियों में मल्टीप्लाई कर पाएंगे। चलिए एक और प्रोडक्ट देखते हैं। हमें मल्टीप्लाई करना 96 को 94 से। तो सबसे पहले हम बेस लेंगे एंड बेस होगा हमारा 100। इसके बाद हम देखेंगे कि दो नंबर 100 से कितने कम है। सो विल राइट 96 एंड 94। 96 100 से 4 कम है और 94 100 से 6 कम है। इसके बाद हम इसके दो पार्ट्स करेंगे। राइट साइड में हम लिखेंगे इनका प्रोडक्ट 6 4 24 एंड लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे डायगनल्स वाले नंबर्स का सम। सो 94 माइनस 4 इज 90। सो 96 इंटू 94 इज 9024। अब हम इस ट्रिक को 3 डिजिट नंबर को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। हमारे पास है 997 एंड 993। तो सबसे पहले हम बेस सेलेक्ट करेंगे और बेस होगा हमारा 1000। अब हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर 1000 से कितने कम है। 997 1000 से 3 कम है एंड 993 1000 से 7 कम है। इसके बाद हम इसके करेंगे दो पार्ट्स। राइट साइड में हम लिखेंगे प्रोडक्ट -3 और -7 का। सो -3 इंटू -7 इज 21 एंड लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे सम डायगनल्स वाले नंबर्स का। सो 993 -3 इज 990, या फिर हम ले सकते हैं 997 -7, इट विल ऑल्सो गिव्स 990। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि राइट साइड में उतनी डिजिट्स होंगी जितने बेस में जीरो है। सो यहाँ पे बेस में 3 जीरोज है, सो राइट साइड में 3 डिजिट होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे 0। सो 997 इंटू 993 इज 990021। अब हम इस ट्रिक को 4 डिजिट नंबर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे। हमारे पास है 9995 मल्टीप्लाई बाय 9999। तो सबसे पहले हम इन दोनों नंबर का बेस सेलेक्ट करेंगे और बेस होगा 10000। अब हम देखेंगे ये दोनों नंबर हमारे बेस से कितने कम है। 9995 10000 से 5 कम है एंड 9999 10000 से 1 कम है। इसके बाद राइट साइड में हम लिखेंगे इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट -5 इंटू -1 इज 5 एंड लेफ्ट साइड में हम लिखेंगे डायगोनल्स वाले नंबर्स का सम। 9999 -5 इज 9994 और वी कैन टेक
9995 माइनस 1 इट विल ऑल्सो गिव 9994। एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि लेफ्ट साइड में उतने ही राइट साइड में उतने ही आपकी डिजिट होंगी जितने बेस में जीरोज है। सो यहाँ पे बेस में 4 जीरोज है, सो राइट साइड में 4 डिजिट्स होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे 3 जीरोज लगा देंगे। सो 9995 मल्टीप्लाई बाय 9999 इज 9999045। Thanks for watching. If you really find this video helpful, please hit the like button and share to your friends. If you want any specific trick in maths, you can write on comment section. You can also follow us on various social media platforms. Links are given in the description box.